हाय एवरीवन, तो आज हम जीएमसी मीरत का कैंपस टूर करने वाले, उसी के साथ हॉस्पिटल कॉलेज कैसे दिखता है देखेंगे, पूरा कैंपस टूर करने वाले। और मेरे साथ है आज मेरा दोस्त प्रसाद। हाय दोस्तों, तो आज हम अपना कॉलेज मिस करके, देखो ये इंटरेस्ट है कॉलेज की, और आज हम हमारा कॉलेज मिस करके इस पर आए हैं यहाँ पर, ठीक है। और आज की बायोलॉजी क्लास रहने वाले शाम में, मगर चलो आज एक कैंपस देखते। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कैंपस है, बढ़िया मतलब बहुत बड़ा भी है एक्चुअली। हमने इसे मतलब स्कूट पे हम जब घूम रहे थे तो इसे घूमने के लिए 10-15 मिनट तो इसमें नॉर्मली चले गए हमारे। तो अभी हमने देख लिया कि आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी है, कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करानी है। तो अभी हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा हॉस्पिटल देखेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है और एक्चुअली पेशेंट जो है यहाँ पर, पेशेंट फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पूरा व्लॉग जो रहने वाला है, पूरा हॉस्पिटल प्लस आपका कॉलेज इसके अंदर कवर होने वाला है। तो एक्चुअली देखो, ये जो हमारे लेफ्ट साइड में है, ठीक है, ये जो पूरी बिल्डिंग्स वगैरह है, बहुत ज़्यादा कैंपस बड़ा है, ठीक है। तो ये जो पूरी बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिखाई देगी वहाँ पर, तो ये पूरा आपका हॉस्पिटल रहने वाला है। सामने भी आपका हॉस्पिटल रहेगा और राइट साइड में, ठीक है, यहाँ से राइट साइड में आपका कॉलेज रहने वाला है, जीएमसी मीरत। तो चलो वेट करते हम। एक्चुअली आपको ये जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है सभी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी पूरा हॉस्पिटल का कैंपस है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी भीड़ होगी और कोविड की वजह से हम यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे अभी। आपको जो भी बैक साइड पर सभी पूरा कैंपस दिखाई दे रहा है, ये पूरा हॉस्पिटल का कैंपस है। और अभी यहाँ पर देख लो, अभी यहाँ पर देख लो, ये जो पीछे वाली सभी रोड है ये आपके कॉलेज तक जाता है, मतलब कैंपस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसी के साथ यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी कोविड की वजह से हम एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्की हो सकता है, तो इसकी वजह से हॉस्पिटल के अंदर नहीं एंटर कर सकते, मगर कॉलेज का कैंपस हम ज़रूर देखेंगे इस पूरे व्लॉग के अंदर। बहुत बढ़िया कैंपस है दोस्तों, तो ज़रूर देखना एंड तक। हमने एंटर किया है अभी कॉलेज में, और हॉस्पिटल हम थोड़ा ही दिखाने वाले थे, क्योंकि हमें हॉस्पिटल टूर के बारे में अलग से वीडियो बनानी है, बस कॉलेज के टूर की थोड़ी सी वीडियो रहेगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स आपको दिखाई देने वाली है अभी, क्योंकि यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग से बिल्डिंग है, और हर एक डिपार्टमेंट के जो भी क्लासेस होते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स में होते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर डिफर करती है। तो बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है एंड एक्चुअली थोड़ा सा पुराना कॉलेज हो सकता है, नियर अबाउट 1990 का होगा। बिल्डिंग्स कैसी लगती है? हाँ देखो, थोड़ी पुरानी बिल्डिंग ज़रूर लगती है यहाँ पर, और कुछ नई बिल्डिंग्स भी है, मगर कैंपस ठीक है। एंड एक्चुअली मीरत में होने के कारण कैंपस भी बढ़िया है, ठीक है, मतलब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है। एंड स्टूडेंट स्ट्रेंथ नियर अबाउट 200 है, और मतलब स्टूडेंट भी अच्छे, सभी लोग अच्छे दिखाई दे रही है। और आपको मालूम है यहाँ का हॉस्टल जो है, हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मतलब बिल्डिंग्स हम बाहर घूमने गए थे तो नियर अबाउट आधा घंटा तो हम घूम रहे थे। तो देखो एक्चुअली यहाँ पर कुछ सभागृह वगैरह टाइप है जिसके अंदर आपके हॉल वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट अभी स्टार्ट होने वाले, मैं एक्चुअली आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के डिपार्टमेंट दिखाने वाला हूँ। तो हाँ, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, हॉस्पिटल में एक्चुअली बहुत भीड़ थी, उसकी वजह से हमने एंटर ही नहीं किया। तो राइट साइड में है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, तो इस साइड में आपका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हो जाएगा, जहाँ पर आपको मेडिकल स्टूडेंट्स भी दिखाई देंगे। और उसी के साथ इस लेफ्ट में क्या है, हाँ यस, लेफ्ट साइड में आपका एनाटॉमी डिपार्टमेंट होने वाला है और राइट साइड में पैथोलॉजी। तो ऐसे करके सभी डिपार्टमेंट्स है एक्चुअली, जो यहाँ पर जो भी क्लासेस होती है डिपार्टमेंट्स के अंदर ही होती है। और हमें परमिशन लेने के लिए भी अलग अलग घूमना पड़ा था, मतलब कॉलेज के टूर के लिए, तो उसकी वजह से अभी हम जाने वाले, आगे भी कॉलेज है, ठीक है। एक्चुअली मेन बिल्डिंग तो अलग से होने वाली है, जहाँ पर मेन क्लासेस भरती है, मगर क्लासेस डिफर करते हैं, एनाटॉमी के वक्त कहीं और जाएगा, फिजियोलॉजी के एक वक्त कहीं और पर। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अभी, और एक्चुअली इस वक्त में कॉलेज उतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी दिवाली है ना, तो उसकी वजह से छुट्टियाँ आने वाली है कॉलेज की। तो अभी जो हम लोगों ने देखा वो एक्चुअल था प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट, जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज के एक्चुअल कॉलेज के तरफ में, और हमारे अभी लेफ्ट साइड में है क्या है, वायरोलॉजी है क्या, लेबोरेटरी, हाँ यस, वायरस का रिसर्च सेंटर है यहाँ पर, मतलब जहाँ पर आपके रिसर्च वगैरह सभी, पैथोलॉजी लैब कह सकते हो आप जिसे नॉर्मली, जिसके अंदर होने वाला है। और एक्चुअली यहाँ पर हम अभी कॉलेज में एंटर करने वाले हैं, हमारे राइट साइड में मेन बिल्डिंग है कॉलेज की, और लेफ्ट साइड में कुछ तो रहेगा, देखेंगे हम, ठीक है। कैंपस बहुत बड़ा है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि कैंपस बहुत बड़ा है एक्चुअली। गेट इसके नंबर ऑफ गेट 4 है, और जस्ट कॉलेज के सामने आपका हॉस्टल रहने वाला है, तो हॉस्टल के अंदर भी डिपार्टमेंट अलग से रहने वाले हैं। यहाँ पे हम आए फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट एंड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, ये जो है आपका, आपका फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी पैथोलॉजी लैब्स वगैरह रहेंगे। और देखो ये जो था आपका,
आपका कॉलेज है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से देखने वाले हैं एंड इसके बाद में रेसिडेंशियल एरिया भी है यहाँ पर थोड़ा सा, जो कि पीछे की तरफ होने वाला है। और यहाँ पर फिर से एक माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाला एक लैब है, ठीक है। चलो हम एक्चुअल कॉलेज की तरफ जाते हैं। अभी यहाँ पर एक्चुअली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है मतलब आई थिंक फोर्थ ईयर की एग्ज़ाम चल रही है MBBS की, तो उसकी वजह से हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे, मगर मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। तो हमने जो भी देखा ना उसके अंदर क्लासेस तो ज़रूर होती है, मगर ये जो हमारा सेक्शन है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर एक्चुअल क्लासेस आपकी हो जाती है आपके MBBS की टू, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्चुअली गेट होने वाला है सामने, और वहाँ से मेन रोड है मीरत का जो कि आपके बस स्टैंड तक जाता है आगे सामने से, और यहाँ से कई तुलजापुर की हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो आपका जो भी हॉस्पिटल रहने वाला है इस तरह से 1980 का है एक्चुअली, सॉरी हॉस्पिटल बोला कि मैंने, यहाँ पर आपका कॉलेज है शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मीरत यहाँ तक, ठीक है। तो चलो हम बाकी की चीज़ें नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। हाय एवरीवन, तो देखो अभी तक जो भी हमने कैंपस देखा, हमने हॉस्पिटल से स्टार्ट किया था और कॉलेज तक गए थे। तो ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली आपका कॉलेज का गेट है, और अभी यहाँ से हम एंटर करके देखते हैं कि चीज़ें कैसे नॉर्मल। लास्ट सीन था हमारा, हमने सोचा कि आपको नॉर्मली कॉलेज का एंट्रेंस दिखा दे, ठीक है। तो कॉलेज में एंटर होने के बाद आपको इस राइट साइड में आपको दिखाई देगी कॉलेज की बिल्डिंग। तो ये एक्चुअल कॉलेज की बिल्डिंग है जिसे मैंने पहले भी दिखाया था। और फिर से कॉलेज के बाद जो थे हमने देखा एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का जो भी लैब थे, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट था, वो सभी डिपार्टमेंट कॉलेज के पीछे, मतलब ये जो कॉलेज था उसके पीछे ये सभी चीज़ आपकी लैब्स होने वाली है। यहाँ पर आपकी कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है ये वाला। यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स ही है, और डिपार्टमेंट्स में एक्चुअली आई थिंक पोस्टिंग भी होती है यहाँ पर, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं सब जगह पर। एंड दे वर आस्किंग अस व्हाट आर यू डूइंग हियर, सो हमने बता दिया कि आपकी कैंपस की टूर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लो फिर से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट है, और कैंपस जो है बहुत ही ज़्यादा शांत है एक्चुअली। वहाँ पर नॉर्मल जहाँ पर रोड था वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ थी, हॉस्पिटल में थोड़ी सी भीड़ थी, यहाँ पर पूरी शांति ही शांति है एक्चुअली। यहाँ पर थोड़े टीचर्स स्टूडेंट्स पढ़ाई करते वक्त दिखाई दे रहे, एंड लाइब्रेरी भी थी, मगर लाइब्रेरी की वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी और हम शांति भंग नहीं करना चाहते थे, इसकी वजह से हम लाइब्रेरी की तरफ नहीं गए, और फिर से हम आ गए फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। तो ऐसे करके आपका कैंपस था। फिर से बता देता हूँ, राइट साइड में जाने के बाद आप जाओगे आपके कॉलेज की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से, और लेफ्ट साइड में जाने के बाद आप जाओगे फिर से आपके हॉस्पिटल की तरफ। तो हॉस्पिटल की टूर के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा सेकेंड। अगर आप कोई दूसरा कॉलेज महाराष्ट्र में से चाहते हो कि जिसका मैं एक ब्लॉग बना दूँ, कि जिसका कैंपस टूर करा दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका कट ऑफ अगर चाहिए या किसी भी कॉलेज का कट ऑफ चाहिए तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सभी चीज़ें मिलने वाली है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय। Oh,
रुको रुको कहाँ चल दिए, देखो अनअकैडमी की 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को 10 से 12 बजे के बीच में सेशंस रहने वाले, गाइडिंग सेशंस, ठीक है, जिसमें आपको स्ट्रेटजी, स्टडी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी चीजों के बारे में एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स और आपको टॉप रैंकर्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिलने वाला है। तो आप उसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सभी गाइडेंस आपको फ्री में मिलने वाला है। आप वहां पर कोड यूज कर सकते हो देशमुख 10, मेरा सरनेम, और उसके सामने बस देशमुख के सामने बस 10 लगा देना, आपको सभी चीजें फ्री में एक्सेस होने वाली है। तो उससे 100% ज्वाइन कर सकते हो। उन सभी की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, उसी के साथ अनअकैडमी की कॉम्बैक टेस्ट है उसकी भी लिंक, उसी के साथ हमारी जो भी लिंक्स रिलेटेड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई भी महाराष्ट्र का कॉलेज की टूर चाहिए, या तो कैंपस के बारे में चाहिए, हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कट ऑफ चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहां पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, उसी के साथ उसके आंसर देता हूँ। एंड एज वेल, ठीक है, मुझे सभी कॉलेजेस के ऑलमोस्ट कट ऑफ मालूम है, तो मैं आपको आंसर करके बता सकता हूँ, नहीं तो उसके ऊपर वीडियो जरूर बना सकता हूँ। तो आपको दो चीजें फॉलो करनी है। फर्स्ट थिंग, आपको आपका जो भी सेशन है अनअकैडमी के ऊपर 30 अक्टूबर को 10 से लेकर 12 बजे के बीच में, तो आपको उसे ज्वाइन करना है। अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको पेज भी मिल जाएगा, नहीं तो लिंक फॉलो करो। आपको बस कोड यूज करने के बाद सभी चीजें एक्सेसिबल होने वाली है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको क्या करना है, कमेंट्स में आपको आपका प्यार भी देना है।